हम लोग क्लबिंग के बारे में बातें कर रहे थे काफी इजी चैप्टर है बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आप हंड्रेड एंड वन परसेंट मान के चलिए कि इसमें से प्रोविजन आते ही आते हैं आज हम बातें करेंगे चार्ट रिविजन ऑफ क्लबिंग ऑफ इनकम सेक्शन बताइए सिक्सटी से लेकर सिक्सटी फाइव तक हम लोगों ने कवर किए थे क्लबिंग ऑफ इनकम में तो सबसे पहले 60 सेक्शन क्या कहता है कि अगर आपने कोई भी इनकम ट्रांसफर करी है विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट ठीक है ये सेक्शन 60 बोलता है अगर आपने कोई भी इनकम ट्रांसफर करी है बट आपने असेट ट्रांसफर नहीं करा है उस केस में तो हम 100 परसेंट क्लबिंग करेंगे आपने किसको ट्रांसफर करा हो स्पाउस को सन्स वाइफ को नहीं सिक्सटी सिक्सटी वन सिक्सटी टू ऐसा कोई भी स्पाउस सन्स वाइफ वाइफा कंसेप्ट नहीं है किसी को भी ट्रांसफर कराओ वो सिक्सटी फोर में आते हैं सन्स वाइफ वगैरह के कंसेप्ट यहां पर आपने किसी को भी टू एनी पर्सन अगर आपने ट्रांसफर करा हो विदाउट ट्रांसफर ऑफ़ क्लबिंग करेंगे नेक्स्ट कहता है कि अगर आपने असेट भी ट्रांसफर कर दिया सिक्सटी वन कहता था ये सेक्शन अगर आपने असेट भी ट्रांसफर कर दिया है जरूरत नहीं सेक्शन नंबर याद करने की इसलिए मैंने नहीं दिए हैं चार्ट बुक में अगर आपने असेट ट्रांसफर करा है बट रिवोकेबल टेम्परेरी तो हम इसको मानेंगे सर ये तो कोई बात नहीं हुई इसमें तो क्लबिंग ही होगी ये तो सिर्फ आप अपने दिखाने के लिए कि टेम्परेरी ट्रांसफर करा है वी विल अप्लाई क्लबिंग प्रोविजंस, तो वेन एवर असेट इज ट्रांसफर्ड ऑन रिवोकेबल बेसिस देन द इनकम अराइजिंग फ्रॉम सच असेट शेल ऑल्सो बी क्लब्ड इन देंड्स ऑफ ट्रांसफर बट अगर आपने ट्रांसफर करा था टू द ट्रांसफरी विद अ कंडीशन कि उसके लाइफ टाइम से पहले पहले आप वापस नहीं ले सकते तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ परमानेंट ट्रांसफर याद आता है आपको इट इज अ सॉर्ट ऑफ परमानेंट ट्रांसफर उस केस में हम क्लबिंग नहीं करते हैं तो इफ एन अट इज ट्रांसफर्ड ऑन रिवोकेबल बेसिस बट देर इज एन एग्रीमेंट दैट असेट कैन नॉट बी टेकन बैक ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द ट्रांसफरी इस केस में क्लबिंग नहीं होगी नेक्स्ट आता है प्रोविजंस रिलेटेड टू स्पाउस तो हम बातें करी थी तीन चीजों की हमने बातें करी थी स्पाउस के बारे में कि अगर स्पाउस को रेमरेशन मिलती है फ्रॉम अ कंसर्न जहां पर हमारा सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो इंडिविजुअल का एक बिजनेस है इस बिजनेस में सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है सब्सटैंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है ट्वेंटी और मोर ओनरशिप ट्वेंटी है तो भी चलेगी और यहां पर हम

इंडिविजुअल आपके इस पाउस को कोई रेमेशन मिलती है विदाउट एनी टेक्निकल या या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन कोई स्किल्स नहीं है कोई एक्सपीरियंस नहीं था फिर भी इस पाउस को कोई भी रेमेशन मिल रही है तो वो क्लब होगी बट अगर इस पाउस के पास एडिक्वेट एक्सपीरियंस नॉलेज या स्किल था उस में क्लबिंग बात करिएगा दूसरा कंसेप्ट होता है कि अगर दोनों का को ही रेमोनेशन मिल रही हो और दोनों का ही इंटरेस्ट हो तो हम जानते हैं जिसकी इनकम बिफोर सच क्लबिंग यानी कि अदर इनकम जिसकी ज्यादा है उसके हाथों में क्लबिंग करेंगे अगर अदर इनकम है ही नहीं तो फिर हम यही वाले इनकम को देखते हैं किसकी ज्यादा है और एक बार किसी के हाथों में वो क्लब होना शुरू हो गया नेक्स्ट ईयर भी क्लब कंटिन्यू रहेगा उन्हीं के हाथों में अनलेस अनल एज सेटिस्फाइड टू चेंज दैट क्लबिंग ठीक है तो ये बातें थी के बारे में अगर हमने कोई भी असिट ट्रांसफर कर दिया स्पाउस को असिट ट्रांसफर कर दिया स्पाउस को विदाउट एडिक्यूटिडरेशन तो उस केस में भी क्लबिंग होती है बट अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो उस केस में क्लबिंग मत करना क्योंकि उसमें सेक्शन 27 के प्रोविजन लगते हैं अगर हाउस प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है तो सेक्शन 27 के वहां पर प्रोविजन लगते हैं दूसरा अगर हमने ट्रांसफर किया था असिट वो डिवेंचर था डिबेंचर बेच के वाइफ ने उससे शेयर्स खरीद लिए या कोई और दूसरा सेट खरीद लिया दैट इज दिनिट अट जो ट्रांसफर किया था इट कैन चेंज शेप और फॉर्म तो उससे जो भी इनकम आएगी वो भी क्लब कीजिएगा क्योंकि जो नया अट आया है उसने रिप्लेस कर लिया ओरिजिनल को बट याद रखिएगा अगर हमने कोई असेट ट्रांसफर किया था और उस असेट से कोई इनकम आई इसको हम क्लब करेंगे इसको हम बोलते हैं क्लब्ड इनकम ये क्लब्ड इनकम है बट इस इनकम से अगर कोई इनकम आती है उसको क्लबिंग मत करिएगा इनकम फ्रॉम इनकम शेल नॉट बी क्लब्ड याद आता है ये वाली बातें और अगर हमारे स्पाउस ने कुछ कैपिटल इन्वेस्ट करी है हमारे बिजनेस में तो भी हम जितना भी प्रॉफिट हमने अर्न करा है उसका कुछ पोर्शन क्लब हो जाता है कितना पोर्शन क्लब होता है तो हम वो प्रोपोर्शनेट करते हैं डिपेंड करता है कि हमारी टोटल बिजनेस की कैपिटल कितनी है बिजनेस की कैपिटल कितनी है एज ऑन फर्स्ट डे ऑफ द प्रीवियस ईयर फर्स्ट डे मानिएगा यानी कि फर्स्ट अप्रैल को बिजनेस की कितनी कैपिटल थी न्यूमरेटर में क्या लेंगे जो स्पाउस ने कैपिटल दी थी उसका अमाउंट कितना था तो अमाउंट ऑफ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द स्पाउस एज ऑन फर्स्ट डे अगर ड्यूरिंग द ईयर किया है तो इस साल तो नहीं होगा हाँ नेक्स्ट ईयर हो सकता है क्योंकि जब हम नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो पता चलेगा हाँ लास्ट ईयर ही इन्वेस्टमेंट हो गई थी तो आपको देखना है कि फर्स्ट डे अगर कोई इन्वेस्टमेंट तो उसको डिवाइड कीजिएगा टोटल बिजनेस की इन्वेस्टमेंट से कैपिटल कितना इन्वेस्टमेंट बिजनेस में लगी हुई है इन प्रॉफिट और सिमिलर प्रोविजंस जो हमने स्पाउस के बारे में पढ़े हैं सेम प्रोविजंस सन वाइफ के बारे में भी रहेंगे माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है पेरेंट के हाथों में फादर के हाथों में या मदर के हाथों में जिसकी भी अदर इनकम ज्यादा है उनके हाथों में क्लब करिएगा एक बार क्लब करना शुरू कर दिया तो आगे भी क्लबिंग करते रहिएगा उन्हीं के हाथों में अनलेस की वो चेंज होना चाहिए अगर सिंगल पेरेंट है तो फिर उन्हीं सिंगल पेरेंट के हाथों में क्लब कीजिएगा जिन जो मेंटेन करते हैं उनको इन केस अगर माइनर चाइल्ड ने इनकम अर्न करी है अपने स्किल से अपनी नॉलेज से या फिजिकल या मैनुअल लेबर से या फिर अगर चाइल्ड डिसेबल है उस केस में क्लबिंग नहीं होती है उस केस में क्लबिंग नहीं होती है हां बट अगर मान लेते हैं कि चाइल्ड ने अपने स्किल से इनकम अर्न करी है स्किल से इनकम अर्न करी है और उस इनकम को लेट से टेन लाख रुपीज अर्न करा है क्लबिंग मत करना बट इस टेन लाख ,00 को बैंक में इन्वेस्ट कर दिया और यहां से इंटरेस्ट आता है तो जो इंटरेस्ट की इनकम क्लबिंग होगी बिकॉज वो इंटरेस्ट किसी स्किल्ड

अगर अस की एक सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी थी उसकी पर्सनल इंडिविजुअल प्रॉपर्टी थी और वो अपने एच यू एफ को वो कर देता है अपने एच को ट्रांसफर कर देता है विदाउट कंसिडरेशन या इन एडिकेशन उस केस में भी क्लबिंग होगी 100 परसेंट जो भी उसकी इनकम आएगी वो क्लबिंग होगी बट अगर एच का पार्टीशन हो जाता है अगर एच का पार्टीशन हो जाता है उस केस में फिर अपना ही शेयर को हम क्लबिंग करेंगे या फिर अगर इंडिविजुअल uh, के स्पाउस को भी शेयर मिला है तो उसका शेयर और उसके स्पाउस का शेयर ही क्लबिंग होती है बाकी पूरा का पूरा 100 परसेंट क्लबिंग नहीं होगा आफ्टर आफ्टर पार्टीशन 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 बिफोर सिर्फ अपना और अपने का शेयर सो दिस ऑल अबाउट क्लबिंग ऑफ इनकम तो आगे हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम क्वेश्चन बैंक डिस्कस करेंगे क्लबिंग का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तब तक के लिए थैंक यू सो मच बाय एंड टेक केयर